नमस्कार, आपका स्वागत है स्टडी कॉर्नर में। आज का जो वीडियो में टॉपिक है वो प्रमुख पर्वत एवं उसके प्रकार के लिए है। तो हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो टाइप्स होते हैं पर्वत के, वो हम लोग सिर्फ यही हम लोग ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, जैसे कि पूछ दे कि सतपुरा किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, रॉकी किस प्रकार का पर्वत है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो हम लोग आसानी से आंसर दे पाए ऑप्शन देखते हैं। तो चलिए देरी न करें, हम शुरू करते हैं। तो फिर से मैं आग्रह करूँगा कि प्लीज़ आप लाइक कर लीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, और जितना हो सके शेयर भी ज़रूर कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रमुख पर्वत एवं उसके प्रकार, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि पहले ब्लॉक पर्वत का मैंने कुछ लिस्ट लिख दिया है, उसके बाद वलित पर्वत जिसे फोल्डेड माउंटेन या फिर फोल्ड माउंटेन भी कहा जाता है, अवशिष्ट पर्वत जिसे रेसिडुअल माउंटेन कहते हैं, उसके बाद वोल्केनिक माउंटेन जो एकमात्र एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हम लोग ये सब देखेंगे और लास्ट में रिवीजन के लिए हम लोग सब कुछ मिक्स कर देंगे इधर का उधर, ताकि ऐसा ना हो जैसे मन में छप जाता है ना कि चार को ऊपर में ब्लॉक था तो चारों का ब्लॉक बोलना है, इस तरह से नहीं रहेगा कन्फ्यूजन। इसलिए मैं मिक्स करके देखूंगा, टेस्ट करूंगा अपने आप को, और आप सब भी अपने आप को टेस्ट करना कि क्या याद रहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट और ब्लॉक पर्वत कुछ खास फर्क नहीं है, इसलिए यहाँ देखिए ब्लॉक ब्लैक कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो ये पढ़ते ही आपके दिमाग में छप जाना है कि ब्लैक फॉरेस्ट जो है ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट है विंध्याचल। विंध्याचल से कहीं ना कहीं एकमात्र याद आता है विंध्याचल वाली मैया, जहाँ पे माँ वास करती हैं वो विंध्याचल। और यहाँ पे ये जो पर्वत है, जो माउंटेन है, वो किस टाइप का है, तो ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक पर्वत है, तो याद भी करना है। तो हम लोग यहाँ से एक वर्ड निकालेंगे लक, और ये देखिए विंध्याचल वाली मैया से हम लोग आशीर्वाद के रूप में क्या मांगते हैं कि हे माँ मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे साथ लक हमेशा साथ रहे, सब कुछ अच्छा हो, ऐसा हम कहते हैं। तो ये हो गया विंध्याचल वाली मैया, और मैया से हम लोग आशीर्वाद मांग के क्या कि लक हमेशा मेरे साथ रहे। ये देखिए सतपुरा पहाड़ी जो है ये भी ब्लॉक पर्वत है। कैसे याद रखेंगे, फिर से आप यहाँ पे लक ले लीजिए लक, और चाहते हैं कि लक आपका पूरा साथ दे, ये रहा आपका पूरा और ये रहा साथ, पूरा साथ दे। आप चाहते हैं कि लक पूरा साथ दे, लक साथ नहीं देता फिर गड़बड़, सब कुछ गड़बड़ होने लगता है, तो लक पूरा साथ देना बहुत जरूरी है, पूरा साथ साथ पूरा, तो अगर ब्लॉक लक। नेक्स्ट देखिए ब्लॉक पर्वत जो है साल्ट रेंज, फिर से लक भी लूँगा मैं वहाँ से लक, और लक से कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि अगर लक साथ है तो हर मुश्किल परिस्थिति जो है सलट जाती है, सलट फॉर साल्ट रेंज, सलट जाती है मतलब समझ रहे हैं, निपट जाती है, सलट जाती है, उससे निपटारा मिल जाता है, वो सलट जाना। तो अगर लक साथ है तो सब कुछ, हर चीज़, हर मुश्किल परिस्थिति आपसे आपके मतलब कि टिक नहीं सकती है, सलट जाती है, साल्ट रेंज ब्लॉक पर्वत, आसानी से ये हो गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग वलित पर्वत में। वलित पर्वत याद करने का एकमात्र मेरे पास उपाय है, आपने तो बहुत सारे चैनल पर वीडियो देखे होंगे जिसमें लिखा रहता है यू आर हिमालय। चलिए हम कुछ अलग बताते हैं। वलित में आप एक वर्ड लीजिए बल, बल यानी कि ताकत, ठीक है। तो जितना है इसमें सब कुछ बल, बल यानी ताकत, बल यानी ताकत। ये देखिए यहाँ ब्लॉक में ऐसे, इसमें ब्लॉक में बल मत ले लीजिएगा, ये लक के लिए था, लक यानी समझ रहे हैं भाग्य वाला, ये सब बलित यानी बल के लिए। ओके चलिए देखते हैं हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत जो है वलित पर्वत है, और इसे हम लोग कहते हैं फोल्डेड माउंटेन। कैसे करें हम लोग हिमालय, हिमालय से कहीं ना कहीं हम लोग जब भी कोई भी उदाहरण देते हैं, अगर आपके सामने मोटा तगड़ा तंदुरुस्त व्यक्ति अगर सामने आ जाए तो हमेशा यही कहते हैं ना, हिमालय जितना ताकतवर था, आप यूज़ जरूर करते होंगे वर्ड में या फिर किसी को सुने जरूर होंगे, बहुत मतलब ताकतवर था, एकदम हिमालय जैसा, एकदम पहाड़ जैसा था। तो ऐसा किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा बात है कि उसके अंदर बहुत बल है, हिमालय जितना ताकत है, हिमालय जितना उसके पास बल है, इसलिए तो आपने उसे हिमालय कह दिया, हिमालय जैसा था वो। तो ये हो गया हिमालय बल। आल्पस, आल्पस और यूराल दोनों को मैं याद कराता हूँ। यहाँ से मैं एक वो कहानी बताता हूँ जिसमें एक बूढ़ा आदमी जो था अपने चार बेटों को बुलाता है, जिनमें जो आपस में लड़ाई करते रहते हैं, चारों बेटों को बुलाता है और बल का परिभाषा सिखाता है, लकड़ी तोड़ने वाला, कहानी जानते होंगे ना, एकता में बल है, वो वाला कहानी।
ऐसा ही कुछ इसमें से ध्यान समझिएगा। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटों को लड़ते हुए देखकर बहुत तंग आ गया, तो उसने सभी को बुलाया, ऑल को पास बुलाया, ऑल पास, सबको क्या बुलाया, अपने पास बुलाया सबको, ऑल पास है इसलिए सबको अपने पास बुलाया। क्या सिखाने के लिए? बल, एकता में बल है, ये सिखाने के लिए। तो ऐसा सिखाने के लिए आप जानते हैं कि उनको एक लकड़ी तोड़ने के लिए जाते, उन लोगों ने तोड़ दिया, फिर उन्होंने क्या किया, लकड़ी का बंडल दिया कि तोड़ के दिखाओ, तो कोई नहीं तोड़ पाया। तो वही कह रहा है कि कोई नहीं तोड़ पाया, तो कह रहा है वहाँ पे हुआ बूढ़ा आदमी समझा रहा है कि यू आर ऑल, एक साथ हो, मैंने तुम सभी अगर एक साथ हो तो तुम्हारा बल जो है बहुत बढ़ जाता है और तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। यू आर ऑल, ये आर ऑल, देखिए ये आकार है तो आल पढ़ेंगे ना, यू आर आल, यू आर ऑल। तो बिल्कुल यहाँ से आपके अंदर मन में सब कुछ छप गया होगा कि ऑल को पास बुलाया, सभी को पास बुलाया, बल का परिभाषा सिखाया, एकदम बल है, लकड़ी तोड़ने दिया, और लास्ट में उसने सिखाया कि अगर यू आर ऑल एक साथ हो, यू आर ऑल एक साथ हो, तो तुम्हारा बल जो है बहुत तगड़ा हो जाता है और तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और समझ जाते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंडीज, एंडीज पर्वत जो है वो किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। बलित को फिर से मैं बल ही लूँगा, और ये देखिए एंडी, एंडीज को हम लोग ले लेते हैं आंधी, आंधी तूफान का आंधी, और जिस तरह से हम लोग कॉपी, बहुत सारे कॉपी हो तो कॉपीज बोलते हैं, वैसे आंधी बहुत सारा आंधी हो तो हम कहते हैं आंधीज, ऐसे आंधी का इंग्लिश कुछ और होगा, फिलहाल हम लोग फनी ट्रिक याद कर रहे हैं ना, तो आंधीज कर दीजिए, एंधीज फॉर एंडीज। और आंधी जब भी आती है, आंधी जब भी आता है तो क्या अपने साथ पूरा मतलब ताकत लेकर आता है, बल लेकर आता है, और रास्ते में जो भी कुछ आता है सबको उड़ा ले जाता है, तो आंधी में बहुत बल होता है। तो ये हो गया बल, बलित, आंधी में बहुत बल होता है, बलित। रॉकी, रॉकी पर्वत, ये वलित पर्वत है, कैसे याद रखेंगे? फिर से मैं बल ही लूँगा ऐसे, क्योंकि मैंने कह दिया कि वलित बल के लिए है। तो देखिए रॉकी, अगर उसको रोकना है, किसी को भी रोकना है तो बल तो चाहिए, कोई भी चीज़ रोकना है, रोकना समझ रहे हैं, उसको अगर रोक देना है, स्टॉप करना है, तो आपके अंदर बल चाहिए रोकने के लिए। तो हो गया रॉकी, बलित, रॉकी पर्वत, वलित। तो हम लोग का ब्लॉक और वलित दोनों कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं अवशिष्ट पर्वत की ओर। अवशिष्ट पर्वत में सबसे पहला यहाँ पे पारसनाथ भारत में जो है, और ये अवशिष्ट पर्वत, और इसे इंग्लिश में कहते हैं रेसिडुअल माउंटेन, ठीक है, कैसे याद करेंगे? पारसनाथ ऐसे याद रख सकते हैं कि पारस से पर्स याद रखिए, पर्स यानी कि जो वॉलेट होता है हमारे, जो मनी बैग, पैसा रखने के लिए पर्स, पारसनाथ पर्स, पर्स याद रखिए। और पर्स हर कोई जानता है कि पर्स जो है हर किसी के लिए आवश्यक चीज़ है, आवश्यक फॉर अवशिष्ट, उतना ज़्यादा मिल नहीं रहा लेकिन काफ़ी मिल जा रहा है आवश्यक, तो हर किसी के लिए पर्स आवश्यक होता है मनी रखने के लिए, मनी बैग, ठीक है, आवश्यक फॉर अवशिष्ट पर्वत। नीली गाड़ी, अवशिष्ट पर्वत, तो फिर से मैं कहूँगा नीली गाड़ी हो या फिर पीली गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी आज के युग में हर कोई चाहता है कि उसके पास हो, वो भी इसे आवश्यक फील करता है कि हर किसी के पास नीली गाड़ी हो या पीली गाड़ी अवश्य होना चाहिए, ऐसा फील होता है, क्योंकि इमरजेंसी में बहुत काम आता है। तो हो गया नीली गाड़ी या पीली गाड़ी, अवशिष्ट फॉर अवश्य, तो दो चीज़, पर्स आवश्यक चीज़ और नीली गाड़ी, गाड़ी आवश्यक चीज़, जो हर कोई फील करता है कि होना चाहिए, अवश्य ही होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। अब देखिए सियरा, सियरा जो कि स्पेन में है, और यह किस टाइप का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। कैसे याद रखना है हमको, आपको बताते हैं, ध्यान देखिएगा। मैं सियरा को थोड़ा सा तोड़ देता हूँ तो बन गया सियारा, और तोड़ूँ तो बन गया छियारा। अब देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ, कैसा लग रहा है? छी यारा मतलब क्या, उसको दूस रहे हैं, उसको धिक्कार रहे हैं, ऐसा लग रहा है, छी क्या यार, उस टाइप का, कि तुमने ऐसा असिस्ट बिहेव किया, असिस्ट बिहेव समझ रहे हैं, मतलब कि नॉट वेल बिहेव्ड, तो कुछ तुमने ऐसा असिस्ट बिहेव किया कि एकदम वो कहने पे उतारू हो गया, छी यारा तुम ऐसा करते विश्वास नहीं हो रहा, तो छी यारा असिस्ट, बात में ये लग रहा है कि कुछ उसने ऐसे किया है, असिस्ट बिहेव किया है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जा रहा है, असिस्ट बिहेव फॉर छी यारा। नेक्स्ट अरावली पर्वत, अरावली पर्वत
अवशिष्ट पर्वत है, याद कैसे रखना है तो बहुत ही आसान से, इसमें अ आगे देखिएगा तो आप अ से अरावली पर्वत ही सोचिएगा, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि क्या वलित पर्वत में अ लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, ब्लॉक पर्वत में अ लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, तो अरावली जो है बिल्कुल अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत है। इसका एक्चुअली मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाया, तो बस मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि अरावली में अ लगा हुआ, अवशिष्ट में भी अ लगा हुआ है, तो अवशिष्ट पर्वत अरावली। आप कुछ भी अगर लगा सकते हैं ट्रिक तो कमेंट में ज़रूर आपने बताएंगे, ताकि दूसरों को भी भला हो जाए। राजमहल जो कि भारत में है, और यह जो है यह ज्वालामुखी पर्वत है, वॉल्केनिक माउंटेन है, कैसे याद रखेंगे? तो आपने में बहुत सारी मूवी देखी होगी, ज्वालामुखी, चंद्रमुखी, इस तरह के बहुत सारी मूवी देखी होगी। और इस समय मूवी ने कहीं कहीं वो जो मतलब कि हॉरर मूवी है, भूत वाले मूवी, तो ये सब मूवी जो है हमेशा राजमहल, किसी बड़े घराने, किसी राजा महाराजा घर से शुरू होता कहानी, भूत प्रेत वाला। तो वही राजमहल का यहाँ से याद रखिएगा, वो मूवी का थिएटर हॉरर वाला, हॉरर थ्रिल, राजमहल में वो भूतावना जगह, ज्वालामुखी वाला कहानी, चंद्रमुखी वाला कहानी। तो राजमहल में याद रखिए, बस काफ़ी है। तो अब बारी रिविजन की, हम अब क्या करेंगे कि सब कुछ इधर उधर कर देंगे, ताकि हम लोग आसानी से कर सके, दिमाग फिट हो रहा है कि नहीं देख लें, चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ जो आंसर था उसको मैंने हटा दिया, और साथ ही सब कुछ चेंज भी कर दिया, ताकि ईमानदारी से चेक हो सके कि हम लोगों ने याद कर लिया है। शुरू करते हैं, सबसे पहले रॉकी पर्वत है। रॉकी यानी कि समझ रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि किसी को रोकने के लिए बहुत बल चाहिए, बल फॉर बलित पर्वत। विंध्याचल, विंध्याचल मैया से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं कि हे माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा लक है मेरे साथ हमेशा रहे। लक यानी कि लॉक, और ब्लॉक पर्वत है। राजमहल, और राजमहल में जाते हैं कि वो चंद्रमुखी, ज्वालामुखी वाला कहानी, तो ज्वालामुखी पर्वत है। आल्पस, सभी को, ऑल को पास बुला करके उसने क्या सिखाया था, एकता में बल है, बल यानी कि बलित पर्वत। शियरा, छियारा, तुमने अशिष्ट व्यवहार किया है तो अशिष्ट यानी कि अवशिष्ट पर्वत। शतपुरा, तो लक हमेशा चाहते हैं कि पूरा साथ दे, तो लक फॉर ब्लॉक। हिमालय, हिमालय मैंने बात किया था कि वो एकदम तगड़ा था, तो उसके अंदर हिमालय जितना बल है, बल फॉर बलित पर्वत। और नीलगिरी, तो हर कोई चाहता है कि नीली गाड़ी हो या पीली गाड़ी उसके पास अवश्य ही हो, तो अवश्य अवशिष्ट पर्वत। यूराल, यूराल समझ रहे हैं, यूराल मतलब हो गया कि यू आर ऑल, अगर तुम लोग सब एक साथ हो तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, तुम्हारा बल जो है बढ़ जाता है, अगर चार हो तो चौगुना हो जाएगा, तो हो गया बल यानी कि बलित। एंडीज, आंधी, आंधी आती है तो अपने साथ बल लेकर आती है, और रास्ते में जो कुछ आता है उसको सब उड़ा देती है, तो बल फॉर बलित। शाल्ट रेंज, साल्ट रेंज समझ रहे, सलट जाना, कब सलट जाता है, जब आपके साथ आपका लक हो तो हर चीज़, हर मुश्किल आपके समक्ष निपट जाती है, सलट जाती है। ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉर ब्लॉक, इसमें सिंपल सा इसमें मैच कर जाए। पारसनाथ, पारसनाथ है पर्स, और पर्स सब कोई चाहता है उसके पास अवश्य ही पर्स रहता ही है हर किसी के पास। और अरावली, अरावली मैंने बताया था कि अ से अरावली, अ से अवशिष्ट। तो कैसा लगा फ्रेंड? आशा करता हूँ दोस्त कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये सारे याद हो गए होंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, प्लीज़ कमेंट जरूर करें अपना। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अलविदा।